राजगंज क्षेत्र में फैला सरकारी राशन की कालाबाजारी के काले धंधे को खत्म करने के लिए डीएसओ मिच्छंद मिश्रा ने योजना बनाई है। कई हद तक दीपावली त्योहार पर नवागत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ताजगंज क्षेत्र में एक नई रोशनी लेकर आएंगे। डीएसओ आगरा का कहना है कि लगातार मिल रही ताजगंज में राशन वितरण की अनियमितताओं की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए ताजगंज सप्लाई इंस्पेक्टर को ताजगंज से हटा दिया गया है। अब ताजगंज क्षेत्र में ईमानदारी से राशन वितरण की जिम्मेदारी नवागत आरओ सुशील सक्सेना और उबेद अली की होगी। वर्तमान में एनएफएसए के अंतर्गत राशन वितरण हो रहा है, जिसमें गेहूं और चावल जो है 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो की दर से दिया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इसी के साथ ऐसे वंचित परिवारों को भी इसमें शामिल करने की कार्रवाई कर रहे हैं जिनके अभी तक कार्ड नहीं बने हैं, तो उसके लिए भी अलग से शासन से निर्देश हैं जिसके अंतर्गत हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, खाद क्षेत्र ताजगंज के अंतर्गत कुछ डीलरों की शिकायत थी, जिसकी जाँच जो है आर ओ से कराई गई है। उसमें रिपोर्ट आया है, नोटिस दिया गया है, और वहाँ पर जो खाद्य क्षेत्र ताजगंज के पूर्ति निरीक्षक थे उनके पास 2 क्षेत्रों का चार्ज था, जिसके कारण जो भी वहाँ पर दिक्कतें आती थी तो उनके पास एक एक्सक्यूज रहता था। बट अब हमें जो है स्टाफ मिल गया है, हमारे कुछ नए एआरओ आए हैं जिनकी पोस्टिंग कर दी गई है। खाद क्षेत्र ताजगंज में नए एआरओ जो है सुशील कुमार सक्सेना को भेजा गया है, जो वहाँ पर अच्छे से काम करेंगे, और केवल उनके पास वही क्षेत्र है तो पूरा टाइम देंगे और जनता की जो भी समस्या होगी उसे निराकरण कराएंगे। और जहाँ तक पूर्व में डीलरों की जो शिकायतें रही हैं उसमें जांच किया जा रहा है, उसमें जल्दी ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की माने तो ताजगंज क्षेत्र में गरीबों के सरकारी राशन की चोरी करने वाले कुछ विशेष राशन दुकानदारों पर सप्लाई इंस्पेक्टर की विशेष कृपा बनी हुई थी, जिसको लेकर ताजगंज सप्लाई इंस्पेक्टर जाँच के घेरे में है। वहीं डीएसओ उमेशचंद मिश्रा का कहना है कि ठेकेदारी पर चल रही दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले महीने पत्रकारों पर मंजू देवी राशन दुकानदार बैंक कॉलोनी ताजगंज क्षेत्र में पत्रकारों के साथ हुई वारदात के दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, और राशन वितरण अनियमितताओं की शिकायत करने वाले और मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से असभ्य आचरण किसी भी डीलर या किसी भी कर्मचारी का किसी भी पत्रकार के साथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसमें उस बिंदु को भी शामिल करके जांच कराया जा रहा है। न केवल उनके द्वारा जो कम तौलने की शिकायत है उसको, बल्कि जो पत्रकारों के साथ उनके द्वारा जो है गलत बर्ताव किया गया है, और इसकी भी शिकायत रही है कि तौलने के लिए वो कुछ ऐसे दबंग टाइप के लोगों को अपने दुकान पर बैठाते हैं जिससे कि कोई कुछ कह न पाए, तो इसको भी दिखवाया जा रहा है, और उसमें अगर सही तथ्य पाया जाता है तो कार्रवाई की जाए। डीएसओ आगरा कहने को तो निष्पक्ष कार्रवाई करने का दावा करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त कॉकस उनकी कार्रवाई को कमजोर करता नजर आता है। बुराई पर सच्चाई की जीत कब साबित होगी यह तो डीएसओ आगरा ही तय करेंगे। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।